ओके तो शुरू करते हैं अपनी क्लास, है ना। तो आपको पता है कि हम लोग नंबर सिस्टम पढ़ रहे थे, संख्या पद्धति। अब लास्ट दो क्लासेस से हम लोग रिवीजन स्टार्ट किए थे। आपकी सैट एग्जाम आने वाली है, या कुछ बच्चों के सैट एग्जाम चल भी रही है ना। तो जितने भी कॉन्सेप्ट अब तक हम लोगों ने कवर कर लिया, वो सारे कॉन्सेप्ट को रिवाइज करेंगे एक एक करके। काफी सारी चीज लास्ट क्लास में रिवीजन करवाई जा चुकी है। लास्ट क्लास में आपको कुछ वर्ड प्रॉब्लम बताए गए थे। अब वर्ड प्रॉब्लम जब भी देखोगे, तो वर्ड प्रॉब्लम का मतलब एक स्टेटमेंट दिखा देगा आपके सामने, एक लैंग्वेज में कुछ क्वेश्चन लिखे रहेंगे। उस क्वेश्चन को पढ़ के आपको समझना होगा कि यहाँ पर आप क्या करोगे, ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई या डिवाइड। ठीक है, तो जो मैंने लास्ट क्लास में पढ़ाया था, बिल्कुल उसी से मिलता जुलता क्वेश्चन, उसी पर आधारित एक क्वेश्चन करते हैं। अभी क्वेश्चन से ही आज की क्लास स्टार्ट करते हैं, उसके बाद कुछ नया कंसेप्ट पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए। पहला क्वेश्चन है, ये लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था ऐसा क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन हो सकता है थोड़ा बड़ा दिखे आपको, मैं समझा दे रहा हूँ, थोड़ी देर में पोल दिखेगा। बोला जा रहा है किसी स्कूल में, किसी विद्यालय में 20 कमरे हैं, 20 रूम्स हैं, या कह सकते हो 20 सेक्शन हैं, 4,340 छात्र पढ़ते हैं। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं? 4,340। कमरे कितने हैं? 20। तो प्रत्येक कमरे में अगर बराबर बराबर स्टूडेंट हैं, अगर बोला जा रहा है कि हर एक रूम में बराबर बराबर संख्या को हमें रखना है, तो बताइए कि प्रत्येक कमरे में छात्रों की संख्या कितनी होगी, मतलब हर एक रूम में कितना स्टूडेंट होगा। तो आप बोलते हो सर 20 कमरे में अगर 4,340 स्टूडेंट हैं, तो एक कमरा में बताइए कितना स्टूडेंट होगा। बस आपसे क्वेश्चन यही पूछा जा रहा है। ठीक है, चलिए ट्राई कीजिए, क्वेश्चन को आप समझ लियो। पोल सेक्शन में आंसर देना है, पोल अभी दिख रहा होगा। ठीक है, ट्राई कीजिए, इसमें समय लग सकता है, आराम से सॉल्व करो, उसके बाद कुछ नया सीखेंगे। ठीक है, चलिए। तो 20 कमरा में अगर 4,340 स्टूडेंट है, कह सकते हो अगर टोटल 4,340 स्टूडेंट है, उनको 20 कमरों में बराबर बराबर करके रखना है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि बराबर बराबर बोला गया, छात्रों की संख्या सभी में इक्वल है। तो हर एक रूम में, प्रत्येक कमरे में छात्रों की संख्या आपसे पूछी जा रही है। ट्राई करोगे? पोल दिख रहा है अभी, पोल सेक्शन में जाकर आंसर कीजिए। पहले सॉल्व पर अपने कॉपी पर पूरा सॉल्व कीजिए। देखो पहले आपको डिसाइड करना होगा, जब भी आप लैंग्वेज को क्वेश्चन आता है, जो कुछ लैंग्वेज लिखा रहता है, पहले आप डिसाइड करोगे यहाँ पर कि यहाँ पर आपको करना क्या है। ठीक है, जोड़ घटाओ गुना भाग में। अगर आपने एक बार ये डिसाइड कर लिया कि आपको क्या करना है, जोड़ घटाओ गुना भाग, उसके बाद तो क्वेश्चन में कुछ नहीं है, आधा क्वेश्चन तो वही सॉल्व हो गया है ना। अगर ये डिसाइड कर लिया क्या करना है, फिर तो आप कर ही लोगे। सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आपको ये डिसाइड करो कि यहाँ पर आपको करना क्या है। फर्स्ट स्टेप में ऑपरेशन डिसाइड करेंगे कि क्या करेंगे। ठीक है, कम आंसर आए हैं लेकिन सही आंसर आए हैं। जितने बच्चों का आंसर आया है सही आया है, एक आंसर गलत दिख रहा है, बाकी सभी के सही है। तो अभी मैं 20 सेकेंड और दे रहा हूँ, 20 सेकेंड और, 20 सेकेंड और। अच्छा, कुछ बच्चे अभी क्लास ज्वाइन कर रहे हो, तो आप सभी लोग 5 मिनट लेट हो क्लास, या के हो तो 10 मिनट लेट हो, क्योंकि क्लास हमेशा 5 मिनट पहले ज्वाइन करना है। अगर आपके 8:30 से क्लास है, तो आपको 8:25 तक क्लास में ज्वाइन कर लेना है। ठीक है, तभी सारी चीज़ें क्लियर होगा, क्योंकि शुरू में काफ़ी सारी चीज़ें मैं समझाता भी हूँ। ठीक है, कोई बात नहीं, अभी करिए, क्वेश्चन दिख रहा है आपको। 15 सेकेंड और है, 15 सेकेंड और। अगर 20 कमरे में 4,340 स्टूडेंट हैं, सभी कमरे में बराबर बराबर हैं, तो एक कमरे में कितने होंगे, यही आपसे पूछी जा रही है। 10 सेकेंड, लास्ट 10 सेकेंड है, अभी करिए आप पोल सेक्शन में। चार बच्चे और है जिसका आंसर नहीं आया है, तो हर एक बच्चे का आना चाहिए, एक भी बच्चा ऐसा नहीं है जो बैठा रहने रहे। 5 सेकेंड और, 5, 4, 3, 2, 1। चलिए अब मैं इसको एंड कर रहा हूँ और इसको समझते हैं। रुको सर, अच्छा, अभी कभी भी देखो, मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, कभी भी अगर आपको लगे कि आप सॉल्व कर रहे हो, आपका आंसर होने वाला है, तो मेरे गिनती जब गिनता हूँ उसी वक्त बता दिया करो। जैसे ही मैं 1 गिनता हूँ, आपका पोल एंड हो जाता है। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, अगर नहीं कर पाया तो चैट में लिख देना। ठीक है, चैट में लिख दो करण।
आप बोलोगे सर यहाँ पर एक स्कूल में अगर 20 कमरे हैं, 4,340 छात्र हैं, 4,340 छात्र को 20 कमरों में रखना है, बराबर बराबर रखना है। सबसे इम्पोर्टेंट है कि छात्रों की संख्या बराबर बराबर दी गई है सभी कमरे में। तो यहाँ पर आपने क्या किया, एड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई या डिवाइड, बस इतना बताइए। डिवाइड है ना, बोल रहे हो सर डिवाइड कर देंगे। अगर इतना डिसाइडेड है कि आप ऐसे क्वेश्चन में डिवाइड करते हो, बराबर बराबर हिस्सों में बांटना है, तो अगर आपका यहाँ पता है भाग देना है तो आप सीधे सीधे भाग लगा दो। आप बोलोगे सर 4,340 को भाग देना है हमें 20 से। अब डिवीजन करना अगर इतना डिसाइड कर लिया तो डिवीजन तो आप सभी को आता ही है ना, तो इसको मैं साइड में कहीं पर डिवाइड कर रहा हूँ। आप बोलोगे सर 20 आगे लिखेंगे, 4,340 को मैं अंदर लिख रहा हूँ। 20 का टेबल पढ़ो, 20 दूनी 40 है ना, 22 या 40, यहाँ पर घटाने पर मुझे 3 मिल रहा है, 4 ऊपर से एक संख्या उतरेगा, 20 से कम 20 लिखोगे, 21 या 20, क्योंकि दो बार करोगे 40 आएगा, 34 से बड़ा हो जाएगा। तो 20 से कम 20 लिखा, 34 में से 20 घटाया, 14 आया, ऊपर से अगला नंबर नीचे उतर के आ जाएगा 0, यहाँ पर 0 लिखा। मुझे बताइए 20 के टेबल में 140 कितने बार में आएगा? तो आपको पता है कि 2 के टेबल में 14 सात बार में आता है, तो 20 के टेबल में 140 सात बार में आएगा। तो बोलोगे सर 20 सत्ते 140, यानी जो आपका भागफल आ रहा है, क्वोशेंट जो आ रहा है, वही बोलोगे सर प्रत्येक कमरे में इतने ही स्टूडेंट होंगे, तो प्रत्येक कमरे में 217 स्टूडेंट होंगे। इतना क्लियर हुआ कि प्रत्येक कमरा में 217 स्टूडेंट होगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है, बताइए ये क्लियर है? ठीक है, चैट ऑन है, चैट में लिख दीजिए। तो प्रत्येक कमरे में 217 स्टूडेंट होंगे, मैक्सिमम सभी के आंसर सही थे, कुछ बच्चों का आंसर गलत हो गया। तो गलत या तो डिवीजन में कैलकुलेशन में गलती की या फिर कंसेप्ट में, तो अगर कोई डाउट है तो ये पूछ लो। क्लियर है? ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो आज देखो हम, ये तो हमारा लास्ट क्लास में टॉपिक था, जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था उसी पे बेस्ड था। तो आज हमें पढ़ना है पूर्णांकों पर संक्रिया, ऑपरेशन ऑन इंटीजर। अब यहाँ पर बोलोगे सर इंटीजर पे मतलब ऑपरेशन तो अभी भी पढ़ रहे थे ना, ऑपरेशन अभी भी पढ़ रहे थे, जोड़ घटाओ गुणा भाग, लेकिन इंटीजर आ गया यहाँ पर। इंटीजर कहने का मतलब यहाँ पर आपसे पॉजिटिव नंबर के बारे में बात की जाएगी और नेगेटिव नंबर के बारे में बात की जाएगी, हो सकता है कि जीरो के बारे में बात की जाए। तो इंटीजर में पॉजिटिव भी आएगा, नेगेटिव भी आएगा, जीरो भी आएगा। अभी तक जो हम लोग कर रहे थे सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव नंबर की बातें कर रहे थे, अब हम लोग पॉजिटिव नेगेटिव इंटीजर सभी की बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं मल्टीप्लीकेशन। कभी भी दो इंटीजर आपको बोला जाए, पहला दूसरा, दो इंटीजर है, इन दोनों को गुना करना है, तो गुना करने के लिए क्या क्या रूल्स हैं, पहले रूल सीखते हैं फिर क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो पहले देखते हैं क्या क्या रूल है। अच्छा, किसी का हैंड रेज हो रहा है बार बार, कोई डाउट है क्या? जिसका भी हैंड रेज हो रहा है, अगर डाउट है तो पूछ लीजिए। नहीं, ठीक, तो देखते हैं इसको किस तरीके से हमने क्लास में कवर किया था। देखो, दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया था पूर्णांकों को, जब भी गुना करना हो। आप बोलोगे सर या तो दोनों ही इंटीजर के सेम साइन होंगे, चिन्ह समान होंगे, या असमान होंगे या अलग होंगे, या तो सेम होंगे या असमान यानी अलग होंगे। सेम कहने का मतलब या तो दोनों ही इंटीजर पॉजिटिव होंगे, और इन दोनों पॉजिटिव को आपको बोला जा रहा है कि आप गुना कीजिए। ठीक है, या वो हो सकता है कि दोनों ही इंटीजर हमारा नेगेटिव हो, मतलब दोनों ही इंटीजर नेगेटिव हो, ऋणात्मक हो, और इनको बोला जा रहा है गुना करना। तो आपको यह पता होना चाहिए कभी भी अगर आप दो सेम साइन वाले इंटीजर को गुना करोगे, चाहे दोनों पॉजिटिव या दोनों नेगेटिव, तो सेम साइन वाले इंटीजर को आप जब गुना करते हो तो आपका आंसर पॉजिटिव आता है, मतलब प्लस का साइन प्लस के साइन से गुना होकर के प्लस का साइन देता है, और माइनस का साइन माइनस के साइन से गुना होकर के प्लस का साइन देता है। इतना क्लियर है? प्लस का साइन प्लस से गुना होकर के प्लस देगा, और माइनस माइनस भी गुना होकर के प्लस ही आएगा। ठीक है, तो सेम साइन के केस में आपका पॉजिटिव आएगा। अब नेगेटिव कब आएगा? आप बोलोगे सर अगर एक नंबर पॉजिटिव एक नंबर नेगेटिव हो, मतलब एक पॉजिटिव नंबर को एक नेगेटिव से गुना करना हो, अगर इस टाइप का कुछ केस आ जाए, तो आप बोलोगे सर प्लस का साइन माइनस का साइन से गुना होकर के माइनस का साइन देगा, या फिर मैं लिखूं माइनस और प्लस को गुना करने बोल रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर आपका माइनस मिलेगा। ठीक है, तो दो अलग अलग साइन दिखे, मतलब अगर डिफरेंट साइन के नंबर दिख रहे हैं और उनको अगर आपको गुना करने के लिए बोला जाए तो आपका नेगेटिव आएगा, अगर सेम साइन के हैं और उनको आपको गुना करने के लिए बोला जाए तो आपका पॉजिटिव आएगा। इतना क्लियर है? कब पॉजिटिव आएगा, कब नेगेटिव आएगा। ठीक है, तो अभी मैं कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ, ये तो हमारा रूल हो गया। तो सिर्फ रूल से सारी चीजें नहीं समझ में आती है, जब क्वेश्चन करोगे तब समझ में आएगा। ठीक है,
तो यहाँ पर कुछ क्वेश्चन है आपके सामने। मैं पहले तो कुछ क्वेश्चन को हाइड कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर आपको पहला सिर्फ एक क्वेश्चन दिख रहा होगा, ठीक है, अभी सिर्फ एक क्वेश्चन दिख रहा है। तो आप बोलोगे सर 12 × 4 ये तो बहुत आसान है, इसमें तो कुछ भी नया नहीं है, ठीक है। 12 × 4 अगर करोगे तो आप बोलोगे सर ये नंबर कैसा है, तो ये पॉजिटिव नंबर है, ये कैसा है, ये भी पॉजिटिव है, दोनों ही प्लस का है, कोई भी नंबर के आगे कोई साइन नहीं है तो धनात्मक है। तो दो धनात्मक नंबर को आप अगर गुना करोगे, मल्टीप्लाई करोगे, तो बोलोगे सर 12 को 4 से गुना करके यहाँ पर तो 48 लिख देंगे, और प्लस का साइन प्लस के साइन से गुना होगा। अगर दो पॉजिटिव नंबर गुना होते हैं तो प्लस का साइन प्लस के साइन से गुना होकर के प्लस का ही साइन देता है, तो यहाँ आंसर प्लस का ही आएगा, आपका आंसर पॉजिटिव ही आने वाला है 48। क्लियर है, दो पॉजिटिव का गुना करोगे पॉजिटिव आएगा, प्लस ही आएगा। अब अगर मैं बोलूँ इस क्वेश्चन को करके बताइए, मतलब -12 × -4, अभी भी आप देख रहे हो कि सर यहाँ पर ये नंबर कैसा है, ये नेगेटिव का नंबर है ना, नेगेटिव नंबर है। ये वाला नंबर भी कैसा है, तो आप बोलोगे सर माइनस का 4 है, मतलब ये भी नेगेटिव है। तो आप बोलोगे सर 12 को 4 से अगर गुना किया तो 12 × 4 तो 48 आएगा। उसके बाद आप बोलोगे सर -× -, माइनस का साइन माइनस से जब गुना होगा तो माइनस का साइन माइनस से गुना होकर के प्लस का साइन देगा, ठीक है, तो ये प्लस का साइन मिलेगा। इतना क्लियर है, दो नेगेटिव ही गुना होकर के प्लस का मिला। तो यहां से हमें क्या दिख रहा है, कभी भी समान चिन्ह वाला रहे, दो नंबर को गुना करना हो सेम साइन का, चाहे दोनों पॉजिटिव तो भी पॉजिटिव आया, दोनों नेगेटिव तो भी हमारा आंसर धनात्मक ही आया, ठीक है, सेम साइन के केस में पॉजिटिव आएगा। अब बात करते हैं अगर डिफरेंट साइन है, मतलब एक नंबर अगर हमारे पास पॉजिटिव है, एक नंबर हमारे पास नेगेटिव है, और इनको बोला जा रहा है कि आप गुना करिए। देखो यहाँ पर इंपॉर्टेंट है कि आपको गुना करने के लिए बोला जा रहा है, ठीक है, मल्टीप्लीकेशन की बात कर रहा हूँ, बार बार रिपीट कर रहा हूँ। तो मुझे बताइए इस क्वेश्चन का आंसर कितना होगा, अगर मैं बोलूँ -12 को गुना कर दो 4 के साथ, तो आप बोलोगे सर पहला वाला जो नंबर है ये हमारा नेगेटिव है, ठीक है, दूसरा वाला जो नंबर दिख रहा है ये पॉजिटिव है, मतलब यहाँ पर मुझे दिख रहा है डिफरेंट साइन के नंबर दिख रहे हैं, ठीक है, डिफरेंट साइन के नंबर दिख रहे हैं। अब अगर डिफरेंट साइन है तो आप बोलोगे सर नेगेटिव आएगा, मतलब प्लस का साइन, ये प्लस और ये माइनस आपस में गुना होगा, गुना होकर के नेगेटिव देगा, ठीक है, तो नेगेटिव देगा, तो 12 को 4 से गुना करके तो 48 लिख ही दोगे, और एक साइन माइनस का लगा दोगे, यहाँ पर -48 आएगा, -48। हाँ चलिए अगला क्वेश्चन करिए, यहाँ पर बोला जा रहा है 12 × -4, अगेन सेम क्वेश्चन है, बस एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, फिर से अब इस बार बस ऑर्डर बदला गया। आप बोलोगे सर 12 हमें दिख रहा है पॉजिटिव, -4 हमें दिख रहा है नेगेटिव, ठीक है, तो एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव को गुना करोगे, आपको पता है नेगेटिव मिलने वाला है, ठीक है, तो 12 × 4 48 आएगा, और एक नेगेटिव का साइन लगा दोगे। इतना क्लियर है, ये समझ में आ गया, पॉजिटिव को पॉजिटिव से गुना करेंगे पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव को नेगेटिव से गुना करेंगे तो भी पॉजिटिव आएगा, प्लस माइनस माइनस आएगा और माइनस प्लस प्लस आएगा, ठीक। तो एक मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, चलो मैं दो क्वेश्चन दे रहा हूँ, इन दोनों क्वेश्चन को मुझे करके बताइए। क्वेश्चन नंबर 1 है आपके सामने, अगर मैं कह रहा हूँ 15 − 15 × -10, इसका आंसर कितना आएगा, -15 × -10 दोनों ही नेगेटिव है, तो आप बोलोगे सर दो नेगेटिव मल्टीप्लाई होकर के पॉजिटिव देगा, ये भी नेगेटिव है ये भी नेगेटिव है, तो आपका आंसर पॉजिटिव आ जाएगा, तो 15 × 3 = 45 आएगा, और प्लस का 45 आएगा, ठीक है। चलिए अब मैं क्वेश्चन 2 पूछ रहा हूँ, क्वेश्चन 2 में अगर मैं बोलूँ कि 15 को आपको गुना करना हो, -15 को आपको गुना करना है 3 से, मुझे बताइए क्या आंसर होगा, -15 × 3 अभी भी पॉजिटिव होगा क्या। अब बोलोगे सर एक नंबर नेगेटिव एक पॉजिटिव दिख रहा है ना, ये हमारा नेगेटिव है और ये हमारा पॉजिटिव है, तो नेगेटिव और पॉजिटिव अगर गुना करोगे तो आपका नेगेटिव आएगा, यानी आप बोलोगे सर 45 तो लिख ही देंगे और माइनस का साइन लगा देंगे, ठीक है, तो -45 आंसर आएगा सेकेंड केस में। इतना क्लियर है, इतना क्लियर है। चलिए अब जरूरी है क्या कि हमेशा आपको दो ही नंबर को मल्टीप्लाई करने बोला जाए, ऐसा भी हो सकता है कि आपको कुछ दो से अधिक नंबर को गुना करने के लिए बोला जाए, ए बी सी डी इन टू ई, मतलब 2, 3, 4, 5 कितने भी नंबर को गुना करने के लिए बोला जा सकता है। तो अगर दो से अधिक नंबर को गुना करने के लिए बोला जाए तो यहाँ पर आप जोड़ा बना लेना, किसका जोड़ा बनाओगे, देखो माइनस साइन का अगर दो से अधिक नंबर को गुना करना हो तो माइनस साइन का आप जोड़ा बनाओगे,
अब जोड़ा बनाने के बाद बोलोगे सर दो माइनस साइन को, देखो माइनस साइन और माइनस साइन, मुझे बताइए दोनों माइनस साइन मिलकर के यानी गुना होकर के प्लस के साइन बन जाएंगे, तो इसको रफली कई बार मैं क्या लिख देता हूँ। अच्छा जसनदीप कुछ बोल रहे हो क्या? अगर कुछ बोल रहे हो तो बता दो, अगर कोई डाउट है तो, अदरवाइज आप इस तरीके से कुछ ऐसा मत लिखो जो क्लास को डिस्टर्ब कर रही हो, ठीक है। चलो यहां पर आप बोलोगे सर माइनस माइनस गुना होकर के प्लस आया, इसको कैंसिल कर देना, ठीक है। माइनस माइनस कैंसिल हुआ और दोनों माइनस कैंसिल होने का मतलब वो प्लस हो जा रहा है, क्लियर है। दो माइनस, स्क्रीन नहीं दिख रही है, एक सेकेंड, स्क्रीन दिख रही है, स्क्रीन दिख रही है, सर वो आवाज नहीं आ रही। आवाज जा रही है? सभी लोग बताइए, सभी लोग एक बार कंफर्म करके बताइए, ठीक है जा रही है। तो अनिल अगर कोई प्रॉब्लम है तो एक बार लेफ्ट करके ज्वाइन कीजिए, ठीक है। अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है तो एक बार लेफ्ट करके ज्वाइन करो, सर वो ठीक। आवाज नहीं आ रही। अच्छा एक बार मैं स्क्रीन पर लिख भी दे रहा हूँ, अनिल सिर्फ आपको आवाज नहीं जा रही है, एक बार आप लेफ्ट करें और रीज्वाइन करें, ठीक है। चल ठीक है, अभी कंटिन्यू करते हैं। तो यहां पर देखना, तो अगर कोई दो से अधिक नंबर को अगर आपको मल्टीप्लाई करने के लिए बोला जाए तो आप क्या करना, जैसे कि अगर मैं दो माइनस का साइन लिखूं, हमारी ये दो दो चार चार आदमी था, एक 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 बिलरो में दो दो चार चार एक चार। एक सेकंड रुक जाना, ठीक है। तो आप बोलोगे सर माइनस और माइनस साइन को गुना करेंगे तो यहां पर माइनस माइनस को कैंसिल कर सकते हैं, कैंसिल करने का मतलब होता है कि दो माइनस साइन गुना होकर के प्लस हो गया। जैसे कि मैं यहाँ पर कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ, क्वेश्चन तो समझिए, अगर मैं यहाँ पर क्वेश्चन लिखूं माइनस फाइव इंटू माइनस टू इंटू माइनस वन, ठीक है, ये क्वेश्चन अगर मुझे इसको सॉल्व करना हो तो आप देखोगे सर माइनस माइनस का जोड़ा कहाँ बन रहा है, तो एक माइनस यहाँ दिख रहा है, दूसरा माइनस यहाँ दिख रहा है, तो क्या मैं इस दोनों माइनस को कैंसिल कर सकता हूँ? बोलेंगे सर ये दोनों माइनस माइनस मिलकर के प्लस बन गया होगा, तो ये माइनस माइनस को आप कैंसिल कर दो, ठीक है। कैंसिल करने का मतलब क्या हुआ, ये दोनों माइनस साइन कैंसिल हो गया, मतलब पॉजिटिव हो गया। अब बोलोगे सर यहाँ पर कोई भी एक माइनस साइन बचा हुआ दिख रहा है क्या? बताइए इसमें कहीं पर भी आपको एक माइनस साइन बचा हुआ दिख रहा है? बोलोगे सर वन के पास एक माइनस का साइन दिख रहा है, तो आप बोलोगे सर इनको गुना करके पांच गुना दस, दो तो दस लिखेंगे, दस को एक से गुना करेंगे एक दस मिलेगा, एक माइनस का साइन यहाँ बचा हुआ था, तो फाइनल आंसर मेरा नेगेटिव आएगा, माइनस का दस आएगा, ठीक है। चलिए इसी से मिलता जुलता कुछ क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है आपके सामने, पहला वाला क्वेश्चन करके बताइए, ठीक है। पहला क्वेश्चन है आपके सामने, इस क्वेश्चन को करके बताइए। माइनस टू इंटू माइनस थ्री इंटू माइनस फाइव, माइनस टू इंटू माइनस थ्री इंटू माइनस फाइव, ठीक है, आंसर सही आ रहे हैं, वेरी गुड। देखो इसको आप क्या करोगे, देखो दो तरीके से आप कर सकते हो। यहां पर आप बोलोगे सर माइनस टू माइनस थ्री माइनस फाइव को अगर गुना करना है, पहले मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं यहां पर माइनस टू इंटू माइनस थ्री इंटू माइनस फाइव, मुझे बताइए इस माइनस साइन को मैं इस माइनस के साइन से कैंसिल कर सकता हूं, माइनस माइनस प्लस हो गए, ये दो माइनस साइन मुझे दिखा इसको मैंने कैंसिल कर दिया। अब मुझे बताइए तीन को दो से आप गुना करोगे क्या मिलेगा, आपको छह मिलेगा, और यहाँ पर मुझे दिख रहा है माइनस फाइव, तो यहाँ पर आप लिख दोगे माइनस का फाइव, ठीक है, सिक्स इंटू माइनस फाइव। अब छः को माइनस पाँच से गुना करना है, इसका मतलब एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो इसको गुना करोगे आपका आंसर आ जाएगा छः पंजे तीस और नेगेटिव, क्योंकि एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है तो आंसर नेगेटिव आएगा, क्लियर है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन करके बताइए। यहाँ पर अगर मैं बोलूँ कि आपके सामने क्वेश्चन है माइनस वन इंटू माइनस एट इंटू थ्री इंटू फोर, इस क्वेश्चन को ट्राई करो। क्वेश्चन है माइनस वन इंटू, मैं क्वेश्चन को यहाँ भी लिख रहा हूँ, माइनस एट इंटू थ्री इंटू फोर। देखो आप माइनस का जोड़ा बनाओगे तो आपको सारे माइनस कैंसिल होते हुए दिखेंगे, आपको दिख रहा है वन के आगे भी माइनस है और एट के भी आगे माइनस है, तो इन दोनों माइनस को आप अगर कैंसिल कर दोगे, मतलब ये माइनस माइनस मिलकर के पॉजिटिव हो गया, ये दोनों गुना होकर के प्लस हो गया होगा, ठीक है। तो मुझे बताइए यहाँ पर कोई भी माइनस का साइन आपको बचा हुआ दिख रहा है क्या? यहाँ पर एक भी माइनस का साइन आपको दिखा कि जो बच गया हो, सारे माइनस कैंसिल हो चुके हैं, ठीक है। तो सारे माइनस अगर कैंसिल हो चुके हैं
सीधे सीधे आप लिख सकते हो इसको, ये सर आ जाएगा 1 × 8 × 3 × 4, जिसको गुना कीजिए, 1 को 8 से गुना करोगे 8, 4 को 3 से गुना करोगे 12, 12 8 = 46। क्लियर है? पॉजिटिव आंसर आएगा। इतना क्लियर है? ये दोनों क्वेश्चन कर लोगे। अच्छा, -96 आ रहा है राजन का। राजन आपका कोई डाउट है तो बताइए, राजन कोई डाउट है क्या? आपने -96 लिखा इसलिए पूछ रहा हूं। ठीक, चलिए अगर मैं और क्वेश्चन पूछ रहा हूं यहां पर, ये तो हमारा सॉल्यूशन हो गया। ठीक, मुझे बताइए अगर मैं इस तरह से क्वेश्चन दूं, -5 × -2 × -3 × -1, इसको सॉल्व करके बताइए क्या आंसर आएगा। -5 × -2 × -3 × -1, तो श्रुति का आंसर आ रहा है 30, करण का आंसर आ रहा है -30, संगम का आंसर आ रहा है 30। ठीक है, अच्छा मैक्सिमम आंसर 30 आ रहा है। ठीक है, देखो इसको आप करोगे सर माइनस का जोड़ा बना लीजिए, तो एक माइनस का साइन यहां दिख रहा है, दूसरा माइनस का साइन यहां दिख रहा है, तो ये माइनस से ये वाला माइनस कैंसिल हो गया। ठीक है, उसके बाद मैं दूसरा जोड़ा बना रहा हूँ, तो ये माइनस का साइन यहाँ भी देखा, यहाँ भी देखा, तो ये माइनस से ये वाला माइनस कैंसिल हो गया। ठीक है, दो दो का जोड़ा बनाना है और कैंसिल कर देना है। अब मुझे बताइए यहाँ पर एक भी माइनस का साइन बचा हुआ दिख रहा है क्या? माइनस का साइन बचा या नहीं बचा? आप बोलोगे सर सारे माइनस कैंसिल हो गए हैं, तो सारे माइनस कैंसिल हो गए हैं तो आपका आंसर पॉजिटिव आने वाला है। ठीक है, तो आपका आंसर पॉजिटिव आएगा। आप इसको सीधे सीधे लिख देना 5 × 2 × 3 × 1। ठीक है, 5 को 2 से गुना करोगे 10 मिलेगा, 10 को 3 से गुना करोगे आपका 30 मिल जाएगा। 3 को 1 से गुना किया 3 आया, 30 आया। ठीक है, चलो इसको मैं एक और थोड़ा सा बदल रहा हूँ इस क्वेश्चन को। चलिए अगर मैं क्वेश्चन ऐसे लिख दूँ -5 × -2 × 1 × -4, इसको करके बताइए, इसको बताइए, -5 × -2 × 1 × -4, इस वाले क्वेश्चन को ट्राई कीजिए। ठीक है, श्रुति का आंसर आ चुका है। ठीक है, वेरी गुड, यहाँ पर आंसर सही आ रहा है। आप बोलोगे सर माइनस ये वाला और ये वाला माइनस, ये दोनों कैंसिल हो गया, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, मतलब दोनों मिलकर के पॉजिटिव आ गए। अब 4 के आगे जो माइनस है ये वाला माइनस कैंसिल नहीं हो रहा। ठीक है, 4 के आगे जो माइनस है वो माइनस कैंसिल नहीं हो रहा, मतलब उसका कोई भी जोड़ा हमें नहीं दिख रहा। ठीक है, तो आप बोलोगे सर यहाँ पर लिखेंगे 5 को 2 से गुना करके 5 × 2 = 10, और 1 को -4 से गुना करके ये लिखेंगे -4, और इसको हमें करना है गुना। ठीक है, अब एक नंबर आपको दिख रहा है पॉजिटिव, एक नंबर आपको दिख रहा है नेगेटिव, तो इसको गुना करोगे 40, और आपको पता है प्लस का साइन माइनस के साइन से गुना होकर के नेगेटिव देता है। ठीक है, तो आप बोलोगे सर माइनस का आंसर आएगा, या एक माइनस बच गया था तो सीधे बोलोगे सर माइनस में आंसर आएगा। ठीक है, एक माइनस बच गया था तो माइनस में ही आंसर आएगा आपका, सारे माइनस कैंसिल हो जाएंगे तो पॉजिटिव आएगा। इतना क्लियर है? क्लियर है तो वाई लिख के बताइए, अभी क्वेश्चन पूछूंगा। ठीक है, पोल सेक्शन में। तो पहला क्वेश्चन है आपके सामने, ट्राई करिए। तो पहला क्वेश्चन है, बहुत आसान सा है। ठीक है, तो -12 × 9 क्वेश्चन है आपसे, बोला जा रहा है -12 की अगर मैं गुना करूं 9 से, आंसर क्या है? -12 × 9, देखो 12 को 9 से तो गुना कर ही लोगे आप लोग, साइन देखना है कि पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा। 12 का टेबल याद है, 12 नंबर देखिए कितना आ रहा है। अच्छा, काफी आसान से क्वेश्चन है, इसमें तो गलती नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये सारे काफी बार हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, पहले भी पढ़ाते समय भी डिस्कस किया था क्लास में, अभी रिवीजन में भी डिस्कस किया है ना। चलिए वेरी गुड, की अभी आंसर जितने आए मैक्सिमम सही आए, सिर्फ एक आंसर मुझे गलत दिख रहा है, लेकिन अभी भी 5 बच्चे हो जिसका आंसर नहीं आया है, 5 स्टूडेंट लेफ्ट हो, तो 10 सेकंड और रुक रहा हूँ। ठीक है, 10 सेकंड और बैठे मत रहिए, ये आपको देख के इसमें कॉपी पेन की भी जरूरत नहीं है। आप सीधे बोलोगे सर -12 को 1 नेगेटिव नंबर को 1 पॉजिटिव से गुना करेंगे, आंसर क्या आएगा? चलो 5 सेकंड और, 5
फोर थ्री टू वन। अभी इसको करते हैं। इसे देखो, यहां पर दो बच्चे का आंसर मुझे गलत दिख रहा है, तो या तो आपने कैलकुलेशन गलती की या हड़बड़ी गलत कर दी। ठीक है, यहां पर आप बोलोगे अच्छा 96 एक बच्चे का आंसर दिख रहा था, तो 96 तो कभी नहीं हो सकता ना। आप बोलोगे सर 12 को 9 से गुना करेंगे तो 12 नवा तो 108 आएगा, इतनी बेसिक गलती तो नहीं होनी चाहिए। 12 को 9 से गुना करोगे 108 आएगा, मतलब ऑप्शन सी और डी तो कभी नहीं हो सकता, या तो ऑप्शन ए होगा या ऑप्शन बी होगा। अब बोलोगे सर यहाँ पर हमें दिख रहा है ये एक नेगेटिव नंबर है, -12 नेगेटिव है और ये एक पॉजिटिव है, तो आप बताओ नेगेटिव को पॉजिटिव से आप अगर गुना करते हो तो आपका साइन कैसा आता है। तो अब बोलोगे सर एक नंबर नेगेटिव है एक पॉजिटिव है, मतलब डिफरेंट साइन के हैं, तो ऐसा में नेगेटिव आता है। ठीक है, तो आप बोलोगे सर माइनस का आंसर आएगा। क्लियर है ये, -12 × 9 -108 आएगा। लेकिन ध्यान दीजिएगा यहाँ पर गुना की बात की जा रही है, मल्टीप्लीकेशन की बात की, एडिशन पढ़ेंगे तो कुछ अलग होगा। ठीक है, चलिए तो अगला क्वेश्चन करके बताइए। अभी क्वेश्चन दिख रहा है आपको, क्वेश्चन में लिख रहा हूं -7 × -5 × -2 इंटू -1। ठीक है, चार नंबर लिखे गए हैं, चारों ही नेगेटिव है। देखो बिल्कुल ऐसा क्वेश्चन अभी कर रहे थे हम लोग, चार नंबर नेगेटिव है, चारों को मल्टीप्लाई अप्लाई करना है। आप बताइए आंसर क्या आएगा। आप माइनस साइन के जोड़ा बना लो, सारे माइनस अगर कैंसिल होते हैं, दो सर, माइनस। हाँ शुभम बताइए, सक्रिय नहीं दिख रही। स्क्रीन नहीं दिख रही? अभी मैं जहां तक चेक कर रहा हूँ स्क्रीन दिख रही है, लेफ्ट करके ज्वाइन करो अगर नहीं दिख रही है तो। क्वेश्चन दिख रहा है आपको? ठीक है, -7 × -5 × -2 × -1, चार नेगेटिव नंबर को हमें गुना करना है। चलो अभी तक जितने आंसर आए हैं, एक आंसर गलत है, बाकी सभी के आंसर सही है। वेरी गुड, सही है, ऐसे आंसर गलत नहीं होना चाहिए एक का भी। सर सर ऐसे कुछ बोल रहे हो क्या? किसी बच्चे का माई कौन है, अगर कोई डाउट है तो बता दो। शुभम अभी दिख रहा है स्क्रीन? शुभम बताइए, तो 10 सेकंड है अभी, 10 सेकंड में एंड करूंगा। अभी भी चार बच्चे हो जिसका आंसर नहीं आया है। फाइव सेकंड और, 5 4 3 2 1। स्क्रीन नहीं दिख रही सर। अच्छा बात, चलो मैं अभी पोल को एंड करके चैट ऑन कर रहा हूँ, मुझे बताइए स्क्रीन दिख रही है या नहीं दिख रही है। अगर दिख रही है तो वाई लिखिए सभी लोग। स्क्रीन ठीक है, दिख रही है तो वाई लिखिए। ठीक है, दिख रही है, मैक्सिमम लोगों को दिख रही है, बस एक को नहीं दिख रही है। तो आप एक बार लेफ्ट करके ज्वाइन करो। ठीक है, नाजबू के नाम से जो बच्चे हो, आप एक बार लेफ्ट करिए, ज्वाइन करिए, दिखने लगेगी। ठीक है, स्क्रीन तो मैं नहीं जो दिख रही बोल रहा हूँ सर वो करिए तभी सही होगा। तो और वही तो बता रहा हूँ, अगर स्क्रीन स्क्रीन नहीं दिख रही तो लेफ्ट करो, ज्वाइन करो। तो यहां पर कंटिन्यू करते हैं अपनी क्लास। यहां पर बोलोगे सर -7 × -5 × -2 × -1, सभी को गुना करना है। आप बोलोगे सर ये माइनस सेवन के आगे और 5 के आगे, ये दोनों माइनस को कैंसिल कर दिया, ये दोनों जोड़ा बन गया। 2 के आगे ये माइनस है, 1 के भी आगे माइनस है, तो ये माइनस माइनस कैंसिल हो गया, है ना, सारे माइनस कैंसिल हो गए। अब यहां पर मुझे दिख रहा है 7 × 5, क्योंकि सारे माइनस कैंसिल हो चुके हैं, तो मैं लिख सकता हूँ 7 × 5 × 2 × 1। ठीक है, तो 7 को 5 से गुना करोगे आपको मिलेगा 35, और 2 को 1 से गुना करोगे आपको मिलेगा 2। यहाँ पर इंटू करोगे आपका आंसर 70 आ जाएगा, पॉजिटिव आंसर आएगा, क्योंकि सारे माइनस कैंसिल हो गए थे। क्लियर है, सारे माइनस कैंसिल हो गए थे, इसलिए हमारा आंसर पॉजिटिव है, ऑप्शन नंबर ए सही है। क्लियर है, सभी के आंसर सही थे, सिर्फ एक या दो आंसर गलत था। ठीक है, अगला क्वेश्चन करिए। क्वेश्चन है आपके सामने -11 × -5 × -3। इस बार देखो 3 नंबर है, तीनों ही नेगेटिव है, 3 नंबर है, तीनों ही नेगेटिव है, देखिए क्या आंसर आएगा।
-11 इंटू -5 इंटू -3। -11 को -5 से गुना करना है और -3 से गुना करना है। अच्छा, इसमें मुझे आंसर गलत दिख रहे हैं, तो आराम से कीजिए, देखिए क्या आंसर आने वाला है। पिछले क्वेश्चन में सभी का आंसर सही था, लेकिन यहां पर गलत हो रहा है, ठीक है, मिक्स आंसर आ रहे हैं। तो आप देखिए क्या आने वाला है, -11 इंटू -5 इंटू -3। पहले आप जोड़ा बना लो माइनस का, देखो कुछ माइनस अगर बच रहा है तो फिर नेगेटिव आंसर आएगा, अगर सारे माइनस कैंसिल हो जाएंगे तो पॉजिटिव आंसर आएगा, बस दो ही चीज हो सकता है। तो 10 सेकंड और रुक रहे हैं, तीन बच्चे और हो जिसका आंसर नहीं आया है, तो 10 सेकंड है, ट्राई कीजिए कि 10 सेकंड में आपका भी आंसर आ जाए। और अगर किसी रीजन से आप पोल में नहीं कर पाते हो, किसी भी रीजन से, सर आपकी तो आप चैट, आवाज जा रही है, आवाज जा स्क्रीन रही है नहीं और दिख रही स्क्रीन सर। दिख रही है, आप बार बार क्लास को डिस्टर्ब कर रहे हो। हाँ, कैमरा ऑफ है क्योंकि अभी इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, जिसके कारण से कैमरा अभी बंद किया गया है, ठीक है, आवाज जा रही होगी और स्क्रीन दिख रही होगी, ठीक है, सारी चीज समझ में आ जाएगी अगर आवाज आ रही है और स्क्रीन दिख रही है, तो कैमरा अभी बंद रहेगा क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, ठीक। चलिए 5 सेकंड में इसको एंड करूंगा, 5 4 3 2 1, इसको समझते हैं। सर चैट और कई बार आपको बोला गया कि अगर स्क्रीन नहीं दिखे तो लेफ्ट करके ज्वाइन करिए। हाँ, चैट सेक्शन ओपन है, चैट में भी लिख सकते हो, ठीक है। यहां पर बोलोगे सर -11 इंटू -5 इंटू -3 अगर करना है, तो पहले मैं जोड़ा बना रहा हूं, तो यहां पर इस माइनस को इस माइनस से मैंने कैंसिल किया, ठीक है, इस माइनस को माइनस से कैंसिल किया। अब देखो तीन के आगे जो माइनस है इसका कोई भी जोड़ा नहीं है, ये कैंसिल नहीं होगा, ठीक है, ये कैंसिल हमारा नहीं हो रहा है। तो आप बोलोगे सर सीधे सीधे गुना कीजिए 11 को 5 से, तो 11 को 5 से गुना करोगे आपको मिलेगा 55, ठीक है, यहाँ पर लिखोगे -3, ठीक है। अब ये देखो बेसिक मल्टीप्लीकेशन तो आपको करना ही होगा, अगर बेसिक मल्टीप्लीकेशन में गलती करोगे तो फिर प्रॉब्लम होगी, ठीक है। मतलब काफी बच्चों का आंसर मुझे दिख रहा है ऑप्शन 1 और ऑप्शन 155, तो 55 को 3 से अगर गुना करोगे तो आपको कितना मिलेगा, 55 को 3 से गुना करोगे तो आपको 165 मिलेगा। तो अगर 165 मिल रहा है मतलब ऑप्शन ए और बी तो हो ही नहीं सकता, ठीक है, जबकि कुछ बच्चों का आंसर ऑप्शन ए और बी भी था, ठीक है। तो यहाँ पर बेसिक मल्टीप्लीकेशन तो कम से कम आपको सही करना ही होगा, ठीक है, 55 को 3 से गुना करना, ठीक है, तो 165 आया, मल्टीप्लीकेशन लोग सीख चुके हैं, 165 आया। उसके बाद बोलोगे सर एक पॉजिटिव था एक नेगेटिव था, तो प्लस का नंबर अगर माइनस का नंबर से गुना होगा तो आपका आंसर नेगेटिव आता है, तो यहाँ पर बोलोगे माइनस का 165 आएगा, क्लियर है, ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है, बताइए ये क्लियर है। इसमें कुछ आंसर मुझे गलत दिख रहे थे इसलिए मैं बता रहा था कि अगर कोई डाउट है तो अभी पूछ लो, समझ में आया, कोई भी डाउट है तो डी लिखिए या अपना माइक ऑन करके पूछ लो कि क्या डाउट है, क्लियर है, ठीक है। अगर क्लियर है तो आगे बढ़ते हैं अगले कंसेप्ट पे, देखो अगले हमें क्या पढ़ना है आगे, तो इंटीजर्स का ही पूर्णांकों का ही योग एवं घटाव यानी एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, दोनों ही का रूल बिल्कुल सेम है, ठीक है, रूल दोनों ही का सेम है, इसलिए एक साथ मैं रिवाइज करवा दे रहा हूँ, ठीक है, चाहे आपको जोड़ने के लिए बोला जाए चाहे आपको घटाने के लिए बोला जाए, तो दो केस में इसको पढ़ सकते हैं, या तो दोनों ही नंबर का जो भी आपका नंबर बोला जा रहा है जोड़ने या घटाने के लिए, जो भी इंटीजर दिया गया है, या तो एडिशन करने के लिए बोला जाए या सब्ट्रैक्शन करने के लिए बोला जाए, तो ये फर्क नहीं पड़ता कि आपको जोड़ने बोला जा रहा है घटाने बोला जा रहा है। अगर दोनों ही इंटीजर के साइन सेम रहेंगे, मतलब जब भी देखोगे कि सर साइन सेम रहेगा, तो यहां पर आप एडिशन करते हो, भले आपको घटाने के लिए बोला जाए फिर भी आपको जोड़ना ही होगा, आप कभी घटा ही नहीं सकते, आपको जोड़ना पड़ेगा सेम साइन के केस में, तो पहले ये याद कर लीजिए कि अगर सेम साइन रहेगा तो वहां पर हम लोग ऐड करेंगे, अगर डिफरेंट साइन रहेगा, अगर दो नंबर है उनका साइन अगर डिफरेंट है तो आपको अगर जोड़ने भी बोला जा रहा था तो भी आप यहां पर क्या करोगे, घटाओ करोगे, ठीक है, इतना क्लियर है कि डिफरेंट साइन के केस में हम लोग सब्ट्रैक्ट करते हैं और सेम साइन के केस में ऐड करते हैं, ठीक है, अगर एडिशन सब्ट्रैक्शन की बात की जाए,
मल्टीप्लीकेशन अलग चीज था, ठीक है, यहाँ पर एडिशन सब्ट्रैक्शन की बात कर रहे हैं, ठीक है। चलिए, उसके बाद एडिशन करने के बाद सब्ट्रैक्शन करने के बाद आपका फाइनल आंसर नहीं आता। देखो, पूर्णांकों पर जब भी संक्रिया कर रहे हैं तो पूर्णांकों पर संक्रिया में उनका साइन बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, चिन्ह बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि साइन आप कैसा लगा रहे हो फाइनल आंसर में। तो जो भी आपका फाइनल आंसर आएगा जोड़ने के बाद या घटाने के बाद आफ्टर एडिशन और सब्ट्रैक्शन, साइन हमेशा बड़े वाले नंबर का लगाओगे। तो बड़े पूर्णांक में जो भी साइन रहेगा, बड़े पूर्णांक का चिन्ह आप लगाते हो ना, क्लियर है? तो चिन्ह हमेशा बड़े वाले पूर्णांक का लगेगा। इसमें यह मत देखना कि प्लस माइनस माइनस होगा, माइनस प्लस प्लस होगा, माइनस माइनस प्लस होगा, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो जो भी बड़ा वाला पूर्णांक रहेगा उसका साइन लगा देंगे, इतना क्लियर है? मुझे बताइए, अगर सेम साइन रहेगा तो आप क्या करोगे, ऐड या सब्ट्रैक्ट? सेम साइन रहेगा क्या करोगे, ऐड या सब्ट्रैक्ट? ऐड, ठीक है। आप बोलोगे सर सेम साइन रहेगा, ऐड कर देंगे, ठीक है। चाहे दोनों पॉजिटिव रहेगा तो भी ऐड कर देंगे, दोनों नेगेटिव रहेगा तो भी ऐड कर देंगे, ठीक है। अगर डिफरेंट साइन रहेगा क्या करोगे, डिफरेंट साइन के केस में आप सब्ट्रैक्ट करोगे, मतलब एक पॉजिटिव एक नेगेटिव दिखा, अलग अलग दिखा आप घटा देना, ठीक है। उसके बाद इसके एक कंसेप्ट और आता है, इसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होता था ब्रैकेट का, आपको याद भी होगा क्लास में मैंने बताया था कि कभी भी अगर दो साइन एक साथ दिख जाए, अगर दो चिन्ह एक साथ आपको दिख रहे हैं, एक साथ अगर दिख रहे हैं, तो आप उनको सेपरेट करने के लिए आप ब्रैकेट का यूज करोगे। और पहले स्टेप में जब भी अगर क्वेश्चन में देखो दो चीज हो सकता है, या तो ब्रैकेट नहीं रहेगा या ब्रैकेट दिया रहेगा। तो अगर ब्रैकेट दिया रहेगा तब आपको ब्रैकेट को सॉल्व करना होगा, ब्रैकेट को हटाना होगा। ब्रैकेट नहीं दिया गया है तब तो कोई बात नहीं, ब्रैकेट अगर नहीं है तब तो सीधे सीधे कर लेंगे जोड़ घटाओ। लेकिन अगर ब्रैकेट दिया है तब पहले ब्रैकेट को रिमूव करना हो, ठीक है। ये आपका पहला स्टेप होगा, ब्रैकेट को हटाना होगा, ठीक है। तो ब्रैकेट को हटाने का तरीका सीखते हैं, कैसे हटाते हैं। अगर मैं लिख रहा हूं यहां पर a प्लस माइनस b, तो आप बोलोगे सर यहां पर दो साइन एक साथ दिख रहा है, समझिएगा एक एक छोटी छोटी कंसेप्ट, एक पॉजिटिव दिख रहा है एक नेगेटिव दिख रहा है, ठीक है। दो साइन एक साथ दिख रहा है सभी को, यहां पर प्लस और माइनस, तब ये दोनों साइन अगर टकराएगा तो आप बोलोगे सर प्लस माइनस अगर टकराया मतलब प्लस माइनस गुना हो रहा है। मुझे बताइए प्लस का साइन माइनस के साइन से गुना होकर के कौन सा साइन देता है, तो आप बोलोगे सर प्लस माइनस माइनस हो जाता है, ठीक है। तो आप बोलोगे सर यहाँ पर आएगा माइनस बी, ए माइनस बी बन जाएगा, क्लियर है, ए माइनस बी बन जाएगा। अगर मैं इसी को लिखूं, अगर मैं ऐसे लिख दूं, मैं लिख रहा हूं ए माइनस प्लस बी, यहां पर अगेन आपको दिख रहा है कि दो माइनस, एक माइनस और एक प्लस साइन, दो अलग अलग साइन एक साथ दिख रहे हैं, दो चिन्ह एक साथ दिख रहा है। तो अगेन इस ब्रैकेट को हटाइए, तो आप ब्रैकेट को हटाओगे तो लिखोगे ए माइनस बी। तो ये क्लियर है कि ब्रैकेट को कैसे हटाते हैं। अगर मैं ऐसे लिख दूं ए माइनस माइनस बी, ये बताइए ए माइनस माइनस बी के केस में क्या करोगे, इसको कैसे लिखोगे? यहां पर मैं एक लिख दिया, यहां पर बी लिख दिया, बीच में साइन कैसा लगाओगे बताइए, बीच में साइन क्या लगाओगे ए और बी के बीच में? प्लस लगाओगे, ठीक है। दीपक कह रहे हैं प्लस लगाएंगे, प्लस मतलब आप बोलोगे सर दो माइनस का साइन टकराएगा, मतलब ये दोनों आपस में गुना हो रहा है, तो माइनस का साइन माइनस से गुना होकर के प्लस बन जाएगा, ठीक है। तो ब्रैकेट सॉल्व कर लोगे, ब्रैकेट रिमूव कर लोगे, अब क्वेश्चन पूछो तो ब्रैकेट रिमूव हो जाएगा सभी से, ठीक है। अब देखिएगा, मैं सारी चीज को समराइज कर रहा हूँ, सारे चीज को समराइज कर रहा हूँ। आप बोलोगे सर क्वेश्चन में या तो ब्रैकेट नहीं रहेगा या क्वेश्चन में ब्रैकेट रहेगा। अगर ब्रैकेट नहीं रहेगा तब तो काफी अच्छी बात है, डायरेक्ट हम लोग जोड़ घटाव कर लेंगे। लेकिन अगर ब्रैकेट रहा क्वेश्चन में तो पहला स्टेप में यही होगा कि फर्स्ट स्टेप में, देखो स्टेप वाइज समझना कितने स्टेप में आपका आंसर आता है। तो स्टेप वन में हम लोग क्या करेंगे, ब्रैकेट को हटाएंगे, ठीक है, ब्रैकेट रिमूव करेंगे, ठीक है, मतलब हटाना। स्टेप टू में क्या करोगे, ब्रैकेट हटाने के बाद आपको देखना है कि साइन या तो सेम रहेगा उन दोनों नंबर का, या तो डिफरेंट रहेगा, यही दो चीज हो सकता है ना, या तो सेम रहेगा या डिफरेंट रहेगा, या तो दोनों पॉजिटिव रहेगा या दो, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव रहेगा, या दोनों ही नेगेटिव रहेगा, ठीक है, यही तीन केस बन सकता है। तो अगर सेम रहेगा
तो ऐसे केस में आप ऐड कर देना, ठीक है, ऐसे केस में आप दोनों ही नंबर को जोड़ देना। अगर डिफरेंट रहेगा तो ऐसे केस में आप घटाव करोगे, ठीक है, ऐसे केस में आप सब्ट्रैक्ट करोगे, ठीक है। उसके बाद स्टेप थ्री, इस स्टेप को मत भूलना, ठीक है। स्टेप थ्री मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप है आपका, ठीक है, जो आप अक्सर छोड़ देते हो। स्टेप तीन में बोलोगे सर चिन्ह डिसाइड करेंगे, चिन्ह डिसाइड करेंगे कि हाँ बताइए कुछ बोल रहे हो क्या? यस सर, चिन्ह डिसाइड करेंगे, हाँ बताइए क्या बोल रहे हो? सर आपकी आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं जा रही, आवाज जा रही होगी, एक बार लेफ्ट करके ज्वाइन करो अगर ऐसा है तो। एक बार लेफ्ट कर लो शुभम, ज्वाइन कर लो, सही आ जाएगा, ठीक है। चलिए अभी माइक बंद करिए, देखो बाकी बच्चे सभी लोग वाई लिख रहे हैं, मतलब आवाज जा रही है, ठीक है। शुभम आपका माइक ऑन है, आप बंद कीजिए माइक। सर आवाज ही शुभम नहीं आ आप रही। एक बार लेफ्ट करो, ज्वाइन करो, अगर हल्की सी भी आवाज आ रही है तो लेफ्ट करो, ज्वाइन करो, सही हो जाएगा। जब तक आप लेफ्ट करके ज्वाइन नहीं करोगे, नेटवर्क इशू है, सही नहीं हो पाएगा, ठीक है। कंटिन्यू करते हैं, तो आप फाइनल स्टेप में आप बोलोगे सर साइन डिसाइड करेंगे, तो चिन्ह कैसा आएगा? चिन्ह हमेशा बड़े वाले नंबर का आएगा, तो बड़े पूर्णांक का चिन्ह लगाना। इसमें आप हमेशा ध्यान दीजिएगा कि बड़े वाला नंबर रहेगा उसी का साइन लगा देंगे। क्लियर है इतना? पूरा स्टेप समझ में आया? पूरा स्टेप समझ में आया? तीन स्टेप में आपका आंसर आता है, ठीक है, पहला दूसरा तीसरा। अगर ब्रैकेट में रहेगा तो दो स्टेप में आ जाएगा। क्लियर है? अभी क्वेश्चन करें, क्वेश्चन तो समझते हैं, नहीं अभी क्लास ने लेफ्ट कर लिया, अभी समझना है सारी चीज, काफी इंपॉर्टेंट है। अगर ये कंसेप्ट में आपको प्रॉब्लम रहेगी तो फिर आगे हमेशा प्रॉब्लम होते रहेगा, ठीक है। इसको मैं हाइड कर रहा हूँ ये सारे क्वेश्चन को, तो अभी जब सिर्फ पहला क्वेश्चन दिख रहा है, बस पहला क्वेश्चन करके बताओ। देखो यहां पर सारी चीज को देखिए, आप बोलोगे सर पहला नंबर पॉजिटिव है, दूसरा नंबर पॉजिटिव है, मतलब साइन सेम दिख रहे हैं, साइन सेम है तो क्या करेंगे? आप बोलोगे सर यहाँ पर ऐड करेंगे, ठीक है, जोड़ देंगे, एडिशन करेंगे। तो यहाँ पर 12 और 4 को जोड़ा क्योंकि दोनों के साइन सेम है, तो यहाँ पर लिख दोगे 16, ठीक है। उसके बाद बोलोगे सर बड़ा वाला नंबर का साइन लगा दो, तो बड़ा वाला नंबर 12 है तो 12 का साइन लगाओ, तो 12 के आगे पॉजिटिव है, तो यहाँ पर प्लस का 16 आएगा, 16 आंसर आएगा। क्लियर है? सभी के चैट में आंसर आ रहे थे 16। चलो ये तो बहुत आसान था, मैं मान लो, चलो ये क्वेश्चन करेंगे। अगर मैं दूसरा क्वेश्चन दे रहा हूँ, -12 + -4, यहाँ पर आपको कुछ ब्रैकेट दिख रहा है। देखो पहले आप ब्रैकेट को हटाइए, तो मैंने स्टेप क्या बताया, पहले ब्रैकेट हटाइए, तो यहाँ पर लिखोगे -12 और यहाँ पर प्लस और माइनस, देखो प्लस और माइनस मिलकर के माइनस बन जाएगा, तो यहाँ पर लिखोगे -4। इतना क्लियर है? इतना क्लियर है क्या कि मैं प्लस और माइनस को हटा करके माइनस कैसे कर दिया? दो साइन को हटा करके एक साइन लिख दिया, प्लस और माइनस मिलकर के माइनस होगा, ठीक है। प्लस और माइनस का साइन कुछ नहीं है बीच में, तो गुना हो रहा है, ठीक है। अब मुझे बताइए यहां पर आपको सेम साइन दिख रहे हैं दोनों के या अलग दिख रहे हैं? बस इतना बताइए, साइन सेम है या डिफरेंट है? तो कह रहे सर दोनों ही नेगेटिव है, यानी साइन सेम है। तो अगर साइन समान है, यानी साइन अगर सेम है, तो इसके लिए आप क्या करते हो? ऐड कर देते हो। तो यहां पर आप ऐड कर दो, तो 12 को 4 से आप जोड़ दोगे तो यहाँ पर 16 मिलेगा। अच्छा, कुछ बच्चे का आंसर 48 आ रहा है, 48 कैसे आ जाएगा? गुना नहीं करना ना, यहाँ पर जोड़ और घटाव करना है, गुना नहीं कर सकते। तो 12 को 4 से जोड़ा, यहाँ पर 16 आया क्योंकि सेम साइन था, तो ऐड कर दिया। चाहे दोनों पॉजिटिव था तो भी ऐड किया, दोनों नेगेटिव था तो भी ऐड किया। अब मुझे बताओ आंसर 16 आएगा कि माइनस का 16 आएगा? 16 या -16, 16 या -16? तो यहां पर कुछ बच्चों का आंसर आ रहा है 16। अच्छा, सभी का 16 आ रहा है क्या? देखो यहां पर मैंने क्या बताया, कंसेप्ट भी सिखाया ना, कि साइन हमेशा ऐसे केस में बड़े वाले का लगाओगे। तो यहां पर मुझे बताइए 16 लिखने के बाद तीसरे स्टेप में आप साइन लगाओगे तो 4 बड़ा है कि 12 बड़ा है? कौन सा नंबर बड़ा है? 12 बड़ा है। तो आप बोलोगे सर 12 के आगे जो भी साइन है नेगेटिव, तो आप यहां पर माइनस लगा दोगे। देखो यहाँ पर आपको कंफ्यूजन क्या हो रहा होगा, कंफ्यूजन ही हो रहा है कि सर माइनस और माइनस तो मिलकर के आपने बोला पॉजिटिव होता है, लेकिन दो माइनस को आप जब गुना करते हो तब आपका पॉजिटिव मिलता है, दो माइनस को जोड़ घटाव करके आपको नेगेटिव ही मिलेगा। क्लियर हुआ ये? तो इन दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। ये गुना था हमारा,
वो गुना का केस था कि दो माइनस गुना करके पॉजिटिव आ रहा था, ठीक है। अभी हम लोग जोड़ घटाव कर रहे हैं, तो जोड़ घटाव में बड़े वाला का साइन लगाते हैं, तो यहाँ पर बड़ा 12 था तो 12 का साइन लगा दिया। क्लियर है? ये क्लियर हुआ या कोई डाउट है? क्लियर है तो वाई लिखिए, कोई भी डाउट है तो डी लिखिए, ठीक है। डाउट है तो डी लिख दीजिए, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। नहीं डाउट है तो आगे बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन करके बताइए। यहां पर आपको कहीं भी दो साइन एक साथ नहीं दिख रहे हैं, फिर भी ब्रैकेट है, तो आप पहले ब्रैकेट को हटा दो, ठीक है। तो आप पहले ब्रैकेट को हटाइएगा, तो यहां पर लिखोगे माइनस का 12 और यहां पर प्लस का 4। मुझे बताओ यहां पर कि साइन आपका सेम दिख रहा है इन दोनों नंबर का, ब्रैकेट हटाने के बाद साइन सेम दिख रहा है या डिफरेंट दिख रहा है, बस इतना बताओ, सेम है या डिफरेंट है? एक माइनस एक प्लस है, तो आप कह रहे हो सर डिफरेंट है। अब मुझे बताइए अगर डिफरेंट साइन दिख रहा है तो डिफरेंट साइन के केस में क्या करते हैं? सेम तो नहीं है हमारा, डिफरेंट के केस में क्या करते हैं? एडिशन करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, घटाव करेंगे, जोड़ करेंगे। तो आपने बोला सर साइन डिफरेंट दिख रहा है, अलग दिख रहा है, तो अलग के केस में हम लोग घटाव करते हैं। अगर एक नंबर पॉजिटिव एक नेगेटिव दिख रहा है तो यहाँ पर आप घटाव करोगे, यहाँ पर आप कभी भी जोड़ नहीं सकते, तो 12 और 4 को कभी नहीं जोड़ सकते। आप बोलोगे सर यहाँ घटाव करना पड़ेगा, 12 में से 4 को घटाओगे तो 8 मिलेगा, और साइन बड़े वाला का लगाएंगे तो बड़ा वाला का साइन 12 बड़ा है तो बड़ा वाला का साइन नेगेटिव है, तो यहाँ पर माइनस का 8 लगा देंगे। ये समझ में आया? इतना क्लियर है या रिपीट कर दो? अच्छा, इसमें हो सकता है डाउट हो, किसी कुछ बच्चों को लग रहा होगा 16 आएगा। चलो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, देखो क्या क्या किया। यहाँ पर पहले ब्रैकेट हटाया, माइनस 12 प्लस 4, स्टेप 1 ब्रैकेट हटाया, स्टेप 2 साइन सेम है या डिफरेंट है? बोलोगे सर साइन डिफरेंट है, जैसे ही डिफरेंट आया आप घटाव करोगे, तो घटाव करो 12 में से 4 घटाओगे तो 8 मिला। उसके बाद बोलोगे सर बड़े वाले साइन का स्टेप 3 में क्या बोला था? स्टेप 3 में बड़े वाले नंबर का साइन लगाओगे, तो बड़े वाला नंबर 12 है, 12 का साइन नेगेटिव है, तो यहाँ पर नेगेटिव लगाया। अब क्लियर है? अब क्लियर है पूरा बताइए, अगर क्लियर है तो ये क्वेश्चन करके बताइए। अगला क्वेश्चन है लास्ट, 12 प्लस माइनस 4, इसके बाद कुछ क्वेश्चन और मैं दूंगा, ठीक है, अपने तरफ से। 12 प्लस माइनस 4, पहला स्टेप क्या करोगे? यहां पर दो साइन दिख रहा है एक साथ, ठीक है, साइन डिफरेंट, तो आप बोलोगे सर यहां पर मुझे दिख रहा है 12। अच्छा, पहले तो आप ब्रैकेट हटाइए ना, पहले आप ब्रैकेट हटा दो, तो 12 माइनस 4 लिखोगे इसको, 12 माइनस 4। अब मुझे क्या दिख रहा है? एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, साइन डिफरेंट दिख रहा है। अब साइन अगर डिफरेंट है यानी अलग है तो ऐसे केस में क्या करते हैं? घटाव करते हैं। आपको दिख भी रहा होगा 12 में से 4 घटाने के लिए बोला जा रहा है, 12 माइनस 4 करोगे तो आपको 8 मिलेगा, और बड़े वाला का साइन लगाओगे तो यहां पर बोलोगे सर 12 के आगे पॉजिटिव है तो यहां पर प्लस का साइन आएगा, यानी 8 हमारा आंसर आएगा। ये क्लियर है? इतना क्लियर है बताइए, इतनी सारी चीज क्लियर है? ठीक, तो अभी मैं कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं, ठीक है, पोल इस पे अगले क्लास में करेंगे, अभी ये क्वेश्चन करके बताइए मुझे। अगर मैं लिख रहा हूं -15 और मैं लिख दू प्लस का 10, इंपॉर्टेंट है, ध्यान से करिएगा, ठीक है। मैं दो ऑप्शन दे रहा हूं, ऑप्शन ए है आपके सामने -25, ऑप्शन बी है आपके सामने -5, ऑप्शन सी है आपके सामने 25, ऑप्शन डी है आपके सामने 5। ट्राई करिए, -15 प्लस 10, तो ऑप्शन नंबर बी कह रहे हो, ठीक है, वेरी गुड, ठीक है। तो हाँ, यहां पर ध्यान देना था आपको, करना क्या है, एक नंबर नेगेटिव दिख रहा है, एक पर कुछ भी ब्रैकेट नहीं है इसमें, तो आप बोलोगे सर यहाँ पर डिफरेंट साइन है, तो यहाँ पर भले बीच में जोड़ दिख रहा है लेकिन यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा? डिफरेंट साइन है ना, तो यहाँ पर आपको घटाव करना पड़ेगा, तो यहाँ पर आप घटाव कर दो, तो 15 में से 10 घटाओगे तो आपको मिलेगा 5, और साइन लगाएंगे बड़े वाला का, तो 15 के आगे माइनस का साइन है तो -5 आएगा। क्लियर है? अगर मैं एक क्वेश्चन और दे रहा हूँ लास्ट, ठीक है, इस क्वेश्चन करके बताइए। अगर मैं यहाँ पर दे रहा हूँ -15 -20,
बताइए इसको क्या करोगे? माइनस 15 माइनस माइनस 20, आंसर बताइए। माइनस 15 माइनस माइनस 20, दो देखो दो माइनस का साइन एक साथ दिख रहा है, यहां भी माइनस है यहां भी माइनस है, तो पहले आप ब्रैकेट को हटाइए, तो आप लिखोगे सर यहां पर माइनस 15 और ये दोनों माइनस माइनस टकराकर यानी दो माइनस का साइन गुना होगा और माइनस माइनस मिलकर के प्लस बन जाएगा, तो माइनस 15 प्लस 20, ठीक है। अब देखो सीधे ऊपर वाला क्वेश्चन बन गया मिलता जुलता, ठीक है। तो आप बोलोगे सर एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है, तो ऐसे केस में घटाव करेंगे, अलग अलग साइन दिख रहे हैं ना, पर डिफरेंट साइन दिख रहे हैं। तो अब मुझे डिफरेंट साइन दिख रहा है तो घटाव करेंगे, तो 20 में से 15 घटा दीजिए, यहाँ पर 5 आ जाएगा, और बड़े वाला का साइन लगाएंगे तो 20 के आगे पॉजिटिव है तो यहाँ पर प्लस का साइन लगाया। क्लियर है? इतना क्लियर है? ठीक है, तो एक क्वेश्चन और मैं दे रहा हूं, चलो इसको करके बताइए। अगर मैं लिख दूं माइनस 5, या मैं इसको थोड़ा चेंज कर रहा हूं, माइनस 10 या प्लस 10, ये प्लस 10 है, माइनस माइनस 8, इसका आंसर बताइए। देखो बीच में यहां माइनस का साइन दिख रहा होगा, यहां पर आप क्या करोगे, जितना प्रैक्टिस करोगे आपका सही होते जाएगा, टेन माइनस माइनस 8, 18, ठीक है, वेरी गुड। आप बोलोगे सर यहां पर क्या करेंगे, ये दोनों माइनस माइनस मिलकर के पॉजिटिव हो जाएगा, तो 10 प्लस 8, दो माइनस का साइन टकराया, माइनस माइनस प्लस हो गया। यहां पर आपको दिख रहा है भले बीच में माइनस बोला गया था लेकिन आपको यहां पर दोनों ही के साइन सेम है, तो यहां पर आपको ऐड करना पड़ेगा, तो ऐड कर दीजिए 18 आएगा, और दोनों ही पॉजिटिव है तो बड़ा वाला ही पॉजिटिव रहेगा, ऑप्शन नंबर मतलब प्लस का 18 आंसर आएगा, ठीक है। क्लियर है इतना? बताइए, अगर इतना क्लियर है तो एक बार वाई लिख दो, इसके आगे हम लोग अगले क्लास में करते हैं, और सारे क्वेश्चन होंगे जो अगले क्लास में कंटिन्यू करेंगे, ठीक है।